डोसा, इडली या वड़ा, इस चटनी के बिना सबका टेस्ट है अधूरा। तो जी, आज रानीस किचन में बनने जा रही है साउथ इंडियन स्टाइल नारियल की चटनी, असली वाली। और नारियल की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए नारियल। नारियल को छिलके साफ करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। एक बाउल नाप सही रहता है। अब एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इस पर डालेंगे फली दाना, वो भी एक बाउल। इसे मीडियम फ्लेम में रोस्ट करेंगे। और अगर आपने इस चटनी को इस रेशियो से बना लिया तो गारंटी है कि होटल की चटनी फेल है। अभी ऐड किए थे हरी मिर्चे और कड़ी पत्ता। बातें करते करते इंग्रेडिएंट्स का भी ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि मेरा काम है बातों में घुमाते हुए रेसिपी बनाना। अब आ गई दलिया। ये बड़े आसानी से मिल जाता है और ये हमने ऐड किया है आधा बाउल। और इसमें एक छुपा हुआ स्वाद होता है अदरक का, छोटा सा टुकड़ा अदरक का ऐड करेंगे। अब आ गई बहुत ही टेस्ट करने वाली मिंट लीव्स। ये वो स्वाद है जो आपको आता है पर दिखता नहीं है, यानी कि जादू वाली असली वाली नारियल की चटनी। अब ऐड कर दिया नारियल। इसे तो ज़्यादा रोस्ट करना ही नहीं है, बस सबके साथ मिक्स कर दीजिए। और मुझे ये इतने पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। और जैसे ये रोस्ट हो रही है ना, मुझे चटनी का स्वाद तो अभी से आने लगा। चटनी बड़ी चलाक होती है, ज़्यादा बातें करने नहीं देती है। रोस्ट हो गई, अब इसे हम चार में ऐड कर देंगे। और थोड़ा ठंडा होने के बाद इस पे हम धनिया पत्ती ऐड करेंगे। इसने आना ही है, नमक स्वाद अनुसार और आधा ग्लास पानी। चार को कवर कर दिया, ये जाएंगे मिक्सी पे। अभी से हम ग्राइंड करेंगे और देखिए होने लगी तैयार। ऐसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इस पे लगेगा तड़का। थोड़े से तेल में ऐड कर दी राई, कड़ी पत्ता और लाल मिर्चें। हाय मिर्चें, उफ मिर्चें, लगी मिर्चें। बस इसे रोस्ट करते ही ये जाएंगे चटनी पे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि चाचा ने चाची को चांदी के चौक में चांदी की चम्मच से चटपटी चटनी चटाई। रानीस किचन देखने वालों ने झटपट झटपट नारियल की असली वाली चटनी बनाई। थैंक यू।